Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. If you're watching my face for the first time, then do not forget to subscribe my channel. As you all can see today's title, आज मैं शेयर करने वाली हूँ टॉप फाइव माई फेवरेट ब्लैक काजल विद यू ऑल. एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी होने वाले हैं, एज वेल एज ये सब मेरे फेवरेट है. तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड Do not forget to share with your friends. So yes guys, without further ado, let's get started. So guys, सबसे पहले बता देते हैं जो लिपस्टिक मैंने लगाई है ये है फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसका जो शेड है वो है फायर रेड. एज वेल एज ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. यू कैन सी दिस इज सो अमेजिंग शेड. लाइक आप बहुत बार ये शेड जब भी मैं लगाती हूँ आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है. सो गाइस द फर्स्ट काजल की मैं बात कर रही हूँ ये है फ्रॉम फेसेस. एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काजल, आप देख सकते हैं जो इसकी पैकेजिंग है वो रेड कलर के आपको रिसीव होगी. लाइक इसके आउटर पैकेज रेड है, काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस टाइप का शेड बहुत कम काजल्स के होते हैं. लाइक आउटर पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसका जो प्राइस है वो है 180 रुपीज एंड जो इसकी क्वांटिटी है वो है 0.35 ग्राम. बट ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ये पर्पल एंड नायका दोनों पे अवेलेबल. लाइफ की बात करूँ इसकी तो वो है 2 ईयर, लाइक ये 2 साल तक चलता है, विच इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस. एंड गाइस मैं बात करूँ लाइक कितना ज्यादा अच्छा है या कितना ज्यादा पिगमेंटेड है, तो गाइस ये दिस इज सो 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 पिगमेंटेड. ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड एनिमल टेस्टेड भी है. गाइस काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये, आपको ट्विस्ट करके ओपन करना लाइक बहुत ही इजीली है. अगर मैं इसकी स्वॉच की बात करूँ तो काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक ही चलता है. यू कैन सी 100 एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको एक बार इसको अप्लाई करना है, ये बहुत इजीली लग जाएगा. गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक यू कैन सी कितना ज्यादा अच्छा इसका शेड है. लाइक बहुत ज्यादा मुझे पसंद आए पर्सनली एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर से जरूर बाय करें. और काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, लाइक 200 के अंदर अंदर ही आपको मिल जाता है, लाइक 150 तक ही आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा. तो मुझे इसकी ये अफोर्डेबल भी है एज वेल एज काफी ज्यादा अच्छा भी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर से जरूर बाय करें. और जो इसमें क्लेम्स दिए हुए वो ये डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है, तो विच इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस. तो गाइज ये सब इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इसमें मेंशन किया हुआ है. जो काजल है वो है फ्रॉम के ब्यूटी एंड गाइज इस काजल के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है. दिस इज सो 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 अमेजिंग, लाइक इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट है एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं इसे ही यूज करती हूँ. तो इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 0.35 ग्राम. जो कंपनी ने इसके क्लेम दिए है वो है कि ये पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, एनिमल टेस्टेड है एंड डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड है. गाइस इसके सारे क्लेम दिए हुए हैं. के ब्यूटी बहुत ज्यादा नेम्ड कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा बाय कैटरीना कैफ. एंड गाइस इसके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लाइक अल्टीमेट है. एंड गाइस ये वाला काजल तो बेस्ट एंड बेस्ट है. लाइक मैंने इतने सारे काजल यूज किए बट मुझे इससे ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं लगता. अगर आपको इंटेंस लुक चाहिए लाइक स्मोकी आइज क्रिएट करने, तो आप सच काइंड ऑफ काजल डेफिनेटली एक अपने पास रखिए जिससे कि आपको बहुत ही इंटेंस लुक मिलेगा. काफी अच्छा इसका टेक्सचर है, लाइक ये काफी ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा इजीली चलता है. लाइक इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा है. अगर बात करूँ पिगमेंटेशन की तो गाइस पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है. यू कैन सी तो गाइज यू कैन सी इसकी पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे ये लगता है. एंड प्राइस वाइज बात करूँ तो 250 का है, बट ये भी आपको ऑन डिस्काउंट मिल जाएगा, लाइक 230 या 240 के अराउंड ही आपको मिल जाएगा. 10 to 20 rupees हमेशा इसमें ऑफ रहता है ऑलमोस्ट टाइम. मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस वाले काजल को जरूर से जरूर बाय करें. दिस इज सो 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 अमेजिंग और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, काफी लॉन्ग पीरियड तक चलता है. दिस इज लाइक वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ बोथ ऑफ है. ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस वाले काजल को आप जरूर से जरूर बाय करें. सो गाइस नेक्स्ट काजल है वो है फ्रॉम पर्पल एंड इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज एंड जो इसकी क्वांटिटी है वो 0.25 ग्राम. तो गाइस बात हो गई इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी की, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी पैकेजिंग. ज्यादा अच्छी पैकेजिंग मुझे इसी की लगी क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. लाइक यू कैन सी लाइक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, लाइक आपको गोल्डन कलर के ब्लॉक्स में लिखा पड़ेगा. एंड गाइस इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर, लाइक 2 साल तक चलता है. शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो काफी अच्छी है. एंड गाइस इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह मेंशन की हुई है और ये है विंकिंग टुगेदर काजल. पिगमेंटेशन वाइज बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा है और इसका जो व्हाइट काजल है वो भी बहुत ही अल्टीमेट है. पहले मैंने उसी को यूज किया था, देन मैंने सोचा कि ये भी मैं ट्राई करती हूँ. एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है.
अब बात करेंगे तो ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। पार्टी वगैरह में आप लगाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। दीज आर बेस्ट एंड बेस्ट काजल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसका स्वॉच दिखाती हूँ आपको गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइस जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट है, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे इसका टेक्सचर लगता है। पिगमेंटेशन वाइज बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है। एंड आपको बस एक बार इसको लगाना है, एंड बाकी आपको एक एप्लीकेशन के बाद दूसरी कोटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना ज्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही इंटेंस लुक प्रोवाइड कराता है। एंड इसको आप एज ए लाइनर भी यूज कर सकते हैं, और एज ए स्मोकी आईज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सो 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 अमेजिंग काजल, और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस वाले काजल को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जो भी अब तक मैंने काजल दिखाए थे वो थे ट्विस्ट से ओपन होने वाले। अब मैं दिखाने वाली हूँ शार्पनर के थ्रू जो शार्प होते हैं। गाइज ये रिमेनिंग दो काजल है ये शार्पनर के थ्रू ही शार्प होते हैं। तो गाइज जो फर्स्ट काजल है वो है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और इसका जो प्राइस और क्वांटिटी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। बाकी जितने भी थे उनकी भी, एज वेल एज उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। इनमें से आप कोई भी काजल ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइक वन ऑफ दी माई फेवरेट है, इसी वजह से मैं आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। तो गाइज इसका आप देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी, लाइक इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है। इसको टूटने फूटने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वाले काजल में गिर भी जाएगा तो भी ये नहीं टूटता। काफी ट्रेवल फ्रेंडली भी है। प्राइस इसका लाइक 200 समथिंग है, जिसकी क्वांटिटी वो सेम है 0.35 ग्राम। ये वाटर प्रूफ है, स्वच्छ प्रूफ है, 24 आवर तक स्टे करता है, हाफ एंड हाफ इसमें मेंशन किया हुआ है। एंड बाकी लॉन्ग लास्टिंग है, ये वाटर प्रूफ है, इन्हें स्मच प्रूफ है, ये इसमें क्लेम दिया है। शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो शेल्फ लाइफ इसकी है 2 साल, तो ऑलमोस्ट सभी काजलों की शेल्फ लाइफ 2 to 3 ईयर्स तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। गाइज इसका बस एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो इसका जो लाइक लगाना है वो इतनी ज्यादा इजी नहीं होता। लाइक अगर हम ट्विस्ट वाले काजल की बात करें तो बहुत ही इजी एप्लीकेशन होती है उनकी, बट केस ऑफ दिस ऐसा नहीं होता। इसे लगाते हैं तो ये थोड़ा बहुत चुभने का डर लगता है, और इतना स्मूथ भी नहीं है जितना मैंने 3 आपको रिमेनिंग दिखाए हैं। तो पहले मैं इसका स्वॉच दिखाती हूँ, लाइक स्वॉच। तो गाइज देख सकते हैं स्वॉच वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग पीरियड तक भी चलता है। बट गाइज एक ही इसका माइनस पॉइंट लगा कि ये उतना ज्यादा इजी नहीं है लगने पर, क्योंकि लगता है तो थोड़ा बहुत ईचिंग प्रोवाइड कर सकता है, लाइक करता है, कर सकता नहीं है, करता है आइज में। तो बस मुझे ये इसका ड्रॉबैक लगा, अदरवाइज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड बहुत ज्यादा अच्छा भी है, लाइक लॉन्ग पीरियड तक भी चलता है, 24 आवर तो इसका स्टेइंग पावर है। तो बेस्ट सम बेस्ट काजल है ये, तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा। जो नेक्स्ट काजल है और जो लास्ट काजल है वो है फ्रॉम शुगर। तो गाइस ये भी शार्पनर रिसीव्ड होता है, पर शार्पनर मेरे पास नहीं है और वो मेरे से पता नहीं कहाँ तो गिरा कहाँ नहीं गिरा, मुझे याद भी नहीं है। तो गाइस मैं बात करूँ पैकेजिंग वाइज तो काफी ज्यादा अच्छा है, एंड प्राइस वाइज बात करूँ तो ये 499 का, लाइक प्राइस वाइज ये बहुत ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव है कंपेयर करूँ तो मेरे रिमेनिंग 4 काजल से। और जिसकी क्वांटिटी वो 0.35 ग्राम, एज वेल एज ये आपको स्किन के ऊपर भी दिख जाएगा। तो गाइस क्वांटिटी वाइज बात करूँ तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट बहुत सारी क्वालिटीज है इसमें, और ये आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का इसके शार्पनर रिसीव्ड होता है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। उसमें आपको लाइक अगर बड़ा काजल है तो उसको भी शार्प कर सकते हैं, और ये वाला भी है तो साइज भी 2 आपको अवेलेबल है। तो गाइज ये है ब्लैक टू ब्लैक, इसमें मेरा वो 01 शेड है, एंड ये है मेड इन जर्मनी, तो मेड इन जर्मनी है ये, काफी ज्यादा अच्छा है गाइज, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यू कैन सी। और इसका टेक्सचर जितने भी मैंने काजल देखा उनमें से सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा अच्छा टेक्सचर है। इसकी पिगमेंटेशन तो जस्ट जस्ट वाओ है। ऑब्वियसली गाइज 300 रुपए ज्यादा ये हमसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी तो प्रोवाइड कराएंगे फॉर श्योर। बट गाइज अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप जरूरी नहीं इस वाले काजल को ले, आप 200 तक काजल ले सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। बट आपको स्मोकी आईज या इंटेंस लुक चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी आईज लाइक ब्लैक आईज करनी है, देन आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं 200 और 250 के बिटवीन। तो सबसे पहले मैं इसका स्वॉच दिखाती हूँ गाइस, सो यू कैन सी, लाइक आप देख सकते हैं सब काजल में सबसे ज्यादा जो इजीली लग गया वो यही है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आईज में लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी ईचिंग प्रोवाइड नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग है, काफी लॉन्ग पीरियड तक चलता है, एज वेल एज वाटर प्रूफ भी है और स्मच प्रूफ भी है। और ये आईज में किसी भी तरीके की कोई ईचिंग प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड कराता, एज वेल एज बिल्कुल भी नहीं फैलता। बहुत सारे काजल ऐसे होते हैं फैल जाते हैं थोड़ी देर बाद, वो मतलब अजीब से हो जाते हैं, बट इसके इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं, काफी ज्यादा अच्छा है गाइज। तो मुझे ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये अफोर्डेबल नहीं है, तो अगर आपका बजट 500 तक, तो आप डेफिनेट
डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा काजल है। बट अगर आपका बजट नहीं है तो आप इन चारों में से भी कोई सा भी ले सकते हैं। ये थे मेरे टॉप 5 काजल। अब बात करिए इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा कौन है, तो गाइज मेरा फेवरेट है के ब्यूटी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इसकी अच्छी पिगमेंटेशन मुझे लगी एंड बहुत ही सॉफ्ट है ये लगने के बाद, एंड कोई भी इचिंग प्रोवाइड नहीं करता, पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो गाइज ये थे मेरे टॉप 5 काजल। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। सो यस गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक अ लव यू ऑल।